चालाकी के नियम समझने के लिए विश्व की सबसे पावरफुल बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में से हम निचोड़ निकालेंगे शक्तिशाली इंसान बनने के नियमों को समझने के लिए। ये कुछ मिनट्स आप जो इस वीडियो में देने वाले हो ये जिंदगी भर आपके काम आने वाले हैं, तो कान के साथ में ध्यान भी लगाओ। शुरू करते हैं। आयरन मैन मूवी के एक सीन में एरोप्लेन ब्लास्ट होने की वजह से 13 लोग आसमान से गिर रहे होते हैं और अपना हीरो टोनी स्टार्क आयरन मैन के सूट में उड़ते हुए उन्हें बचाता है जो नीचे गिर रहे हैं। तो जब वो दो लोगों को बचा लेता है यानी कि पकड़ लेता है उन्हें, उसके बाद में टोनी स्टार्क बोलते हैं अब केवल 11 और बचे हैं। सिर्फ 11 और? सिर्फ दो बचाने के बाद एटीट्यूड बोलता है कि 11 और बचे हैं, जैसे मानो 11 बचा करके बोल रहे हो कि दो ही बचे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरे सीन में एक एआई रोबोट होता है जिसका नाम होता है जार्विस, और जार्विस को काम दिया जाता है एक हथियार को समझने का। टोनी स्टार्क रोबोट से बात करते हैं, कहते हैं कि क्या स्टेटस है, कितना समझ पाए हो, तो रोबोट रिप्लाई में कहता है इसके कुछ हिस्से मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो टोनी सर वहां पर नाराज ना होकर कहते हैं यानी कि कुछ समझ में आ रहे। इसे बोलते हैं पॉजिटिव साइड को देखना, समझदारी से चीजों को देखना। एक बार टोनी स्टार्क को आयरन मैन के शूट को लेकर के कोई बोलती है कि तुम्हारा ये भद्दा धातु का शूट भंगार में बेचेगा, तो टोनी स्टार्क ने फट से जवाब दिया हाँ यही तो मेरा प्लान है। दूसरा होता तो लड़ता चिढ़ता या बहस करता। इसे बोलते हैं समझदारी से खेलना। अगर आपने शाहरुख खान के इंटरव्यूज देखे हो तो आपको पता होगा यूट्यूब पर अगर आप शाहरुख खान की ठग लाइफ को सर्च करोगे आपको मिलेगा कि वो कितनी चालाकी से उसी वक्त बिना रुके उल्टे सवाल करने वाले को ऐसा जवाब देता है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है इसलिए हम कलाकार हैं। सुपर बोला ना मैंने, सुपर बोला। हमें वो लोग पसंद है जो टफ कंडीशन में भी कूल बने रहते हैं, जो पॉजिटिव साइड को देखते हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बनी आइस्ट के प्रोफेसर, जिससे हम सब इंप्रेस हुए हैं उनके टफ कंडीशन में भी स्मार्टनेस को आजमाने को लेकर। इंसान क्या चाहता है? इंसान पावर चाहता है, सत्ता चाहता है, शक्ति, अपना दबाव बनाना चाहता है, और पावर मिलती है समझदारी से, चालाकी से, होशियारी से। ओझा सर कहते हैं राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। मैं आपको इस वीडियो में शक्तिशाली बनने के ऊपर विश्व की अब तक की सबसे पावरफुल बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में से मेरे कुछ फेवरेट लॉज बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। पहला लॉ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जरूरत हो उतना ही बोलो। मेरे फेवरेट मूवी जॉन विक में जॉन बहुत कम बोलता है, पर जब भी वो बोलते हैं सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज्यादा बोलकर या फिर अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले को इम्प्रेस करोगे, पर नहीं, आप कॉमन लगते हो। अपनी स्कैर्सिटी बनाओ। स्कैर्सिटी मतलब कोई भी चीज जो बहुत कम होती है, कम चीजों की वैल्यू होती है। प्लस ज्यादा बोलने से आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप रिवील ज्यादा होते हो, आप ज्यादा खोल जाते हो। नेक्स्ट लॉ है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट, दूसरों से काम करवाओ पर नाम अपना करो। थॉमस एल्वा एडिसन, जो बल्ब के आविष्कार की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत खोजे या प्रोजेक्ट पर काम दूसरे वैज्ञानिकों से करवाया जैसे निकोला टेस्ला, और उनको पैसे देकर उस प्रोजेक्ट को खरीद लिया और अपने नाम के साथ में लॉन्च कर दिया। एक लीडर खुद काम नहीं करता है, उसके लोग काम करते हैं, पर नाम लीडर का होता है। कई फेमस लोग, सेलिब्रिटीज, बिजी होने की वजह से वो अपनी किताब नहीं लिख पाते हैं, किसी से लिखवा करके वो पब्लिश करते हैं, क्रेडिट ले जाता है वो फेमस इंसान, वो सेलिब्रिटी जिसने लिखी नहीं थी, और लिखने वाले को सिर्फ एक बार पेमेंट मिलती है। इसे बोलते हैं गोस्ट राइटिंग। स्टीव जॉब्स ने खुद ने कोडिंग नहीं करी, खुद ने प्रोग्राम्स नहीं बनाए, खुद ने कंप्यूटर नहीं बनाया, फोन नहीं बनाया, पर एप्पल का नाम सुनते ही किसका नाम याद आता है। अगला लॉ है विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट, बातों से मत जीतो, साबित करके, कुछ करके जीतो। एक समझदार इंसान जब बेवकूफ इंसान से बहस करता है तब बहस शुरू होते ही वहां अब दो बेवकूफ हो चुके हैं, बहस मत करो, साबित करो। थ्री इडियट मूवी में आपने देखा होगा कि आमिर खान करीना को बोलकर नहीं समझाता है कि तुम्हारी शादी एक गधे से हो रही है, बल्कि एक्शन से समझाता है, जैसे वॉच गुम होने का नाटक करवा दिया ताकि उसका रिएक्शन दिख जाए। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं है, नहीं लेना। अरे चालाकी थी। शूज पर चटनी गिराई ताकि वो अमीरी दिखाए, प्राइस दिखा करके कितने के जूते थे। अरे $300 के शूज है। ये दुनिया बातों से नहीं मानती है, डेमो से मानती है, डेमो देना होता है। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्किटेक्ट, लंदन के टाउन हॉल के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, और जब वो बना करके पूरा तैयार कर देते हैं उसके बाद में सिटी मेयर को दिक्कत होती है कि इस बिल्डिंग में यार पिलर्स नहीं है, जिसकी वजह से शायद ये नीचे गिर सकती है। आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग में पिलर्स की जरूरत नहीं थी, फिर भी उस समझदार आर्किटेक्ट ने बिना बहस करे पिलर्स बना दिए सिटी मेयर के कहने पर। कुछ सालों के बाद में जब उस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा था तो वर्कर्स ने देखा कि यार ये जो दो पिलर्स है इनके ऊपर तो जोर आ ही नहीं रहा, ये तो छत से अटैच्ड है ही नहीं, तो ये पिलर्स केवल शो के लिए क्यों लगाए गए। फिर हिस्ट्री में देखा तो पता लगा कि समझदार आर्किटेक्ट ने बिना बहस करे ये दो पिलर्स सिटी मेयर्स के कहने पर लगा दिए थे जबकि जरूरत नहीं थी। आर्किटेक्ट ने खुद के डिजाइन के साथ में कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करा और सिटी मेयर के लोगों को भी नाराज नहीं किया। आप एक्शन से जीतो, शब्दों से नहीं। चालाकी का अगला नियम है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू
लोगों को पूरी तरह से आप अपने ऊपर निर्भर कर दो। आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसके बाद में लोग बाप बनने लग जाते हैं या भूल जाते हैं आपको। ऐसे में हमेशा कोई एक चीज ऐसी रखो जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकती है, या फ्यूचर में कोई एक चीज ऐसी हो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो, वो कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, जिसे बोलते हैं हाथी के दांत दिखाना। एक बार ज्योतिष ने राजा को कहा कि 8 दिन बाद में रानी मर जाएगी, और वाकई में उसी वक्त यानी कि 8 दिन बाद रानी मर गई। राजा को शक हुआ कि इसने अपनी भविष्यवाणी को सही करने के लिए मारा तो नहीं कहीं। राजा ज्योतिष से डरने लग जाता है कि ये एक दिन मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए राजा ज्योतिष को मारने ही वाला होता है। तब आखिरी बार राजा ज्योतिष से पूछता है कि तू ज्योतिष है ना, तो बता तेरी मौत कब होगी। ज्योतिष ने चालाकी का खेल खेला और बोला, महाराज आपकी मौत के ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत है। राजा डर गया कि इस भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग अगर आज इसको मार दिया तो 3 दिन के बाद में मैं मर जाऊंगा, तो इसे छोड़ देते हैं। लोगों को ऐसे निर्भर कर दो कि वो आपके साथ में बुरा ना कर पाए। अगला लॉ है, सीम डमर देन योर मार्क, यानी जितने इंटेलिजेंट या स्मार्ट हो उससे थोड़ा कम दिखो। इंटेलिजेंट लोग जितना बेवकूफों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, उससे कई ज्यादा बेवकूफ लोग इंटेलिजेंट लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। एवरेज और मीडियोकर लोगों की स्मार्ट लोगों से कभी नहीं बन सकती। लोग डरते हैं अपने से इंटेलिजेंट और स्मार्ट लोगों से। प्रशिया में एक राजा का राइट हैंड बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया देश से एक एग्रीमेंट साइन करवाना था, जो प्रशिया के लिए काफी फायदेमंद की डील थी, बट उस डील में ऑस्ट्रिया का कोई फायदा नहीं था, तो वो साइन क्यों करेगा। अब ऑस्ट्रिया के किंग काउंट ब्लोमी ताश खेलने के बहुत शौकीन आदमी थे। वो किसी भी आदमी के नेचर और कैरेक्टर के बारे में पता लगा सकते थे कि वो कैसा आदमी है सिर्फ उसके साथ में ताश में क्वींस गेम खेलने के तरीके से, और ये बात बिस्मार्क को पता थी। अब क्योंकि बिस्मार्क को एग्रीमेंट करवाना है, तो चाल देखो, एग्रीमेंट होने के 1 दिन पहले बिस्मार्क ब्लोमी को, जो कि ताश खेलने के शौकीन है, उनको बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से क्वींस खेलने के लिए इनवाइट कर लेता है। और जब गेम शुरू हुआ तो बिस्मार्क ने वो गेम जान करके लापरवाही से खेला, खूब पैसे हारे, लेकिन ऐसा करके ब्लोमी को चकमा देने में बिस्मार्क कामयाब रहा। ब्लोमी को ये फील करवा दिया कि बिस्मार्क काफी रिस्क लेने वाला इंसान है। गेम्स में गलत मूव्स चलकर बहुत पैसा हारने के साथ में बेवकूफों की तरह वो बात भी किया जा रहा था, खुद को नर्वस साउंड करवाने के लिए या फिर राजा ब्लोमी के सामने कम अक्ल वाला दिखने के लिए। ब्लोमी ने बिस्मार्क के नेचर और कैरेक्टर से पता लगा लिया कि ये इंसान कमजोर है, ये लापरवाह इंसान है, ये डर जाता है, ये क्या ही चाल चल रहा होगा। इसलिए दूसरे ही दिन एग्रीमेंट साइन करने का टाइम आया तो बिना ठीक से कंडीशंस पढ़े साइन कर दिए, और बिस्मार्क पत्तों का गेम हार के भी जीत गया, साइन करवा लिया। रूल, सामने वाले को लगने दो कि वो जीत रहा है, लेकिन दिमाग में आप जीतो। प्ले स्मार्ट, एक्ट लाइक यू डोंट नोटिस एनीथिंग। आप मेरी वीडियोस को देख करके चालाकी और समझदारी सीखो, पर चार्ली चैपलिन की बात भी याद रखो, जो कि है, मोर देन क्लेवरनेस वी नीड काइंडनेस एंड जेंटलनेस, यानी दुनिया में चालाकी के साथ नर्मता भी जरूरी है। चालाकी से आपको खुद को बचाना है, ना कि दूसरों को दबाना है। आई होप इतना काफी था। वैसे हाँ, इंसान के अंदर भोलापन, बचपना और पागलपन, ये कभी मरने नहीं चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वॉल्ट डिज्नी ने कहा है कि चालाक और जिसमें बहुत दिमाग है वो कभी भी कुछ नहीं समझ सकता। इनका मतलब है कि ज्यादा समझदारी आपको कुछ चीजें सीखने से रोकती है, तो बैलेंस होना चाहिए। इस वीडियो में एक कमेंट करके जरूर जाना अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखी है। अगर तारीफ क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो केवल ये लिख दो यार कि मैंने वीडियो को पूरी देख ली है, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा। मिलते हैं अगले संडे शाम 5 बजे। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।